जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, जी वाई ए एन एस आई आर। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाय करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम यूपी डब्ल्यू एस सी जूनियर असिस्टेंट, यूपीपीएससी आरओआरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल या आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को जो है वीरगाथा काल भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वह आठवीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चार रचनाएं दी गई हैं, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली या भक्तिमाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भक्तिमाल रचना जो है यह तुलसीदास की नहीं है, यह रचना नाभादास की है भक्तिमाल रचना। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, बाकी तीनों रचनाएं जो है वह तुलसीदास की है। दोस्तों अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आर ओ आर ओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 200 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप फुल पेड ग्रुप लेना चाहते हैं विदाउट क्लियरेंस तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 5100 रुपये रखी गई है। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस की जो फीस है वो 3600 रुपये है। केवल स्टडी मटेरियल जिसमें आपको बिना टेस्ट सीरीज के बिना डाउट क्लियरेंस के अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 2600 रुपये रखी गई है। 2600 रुपये पे करके जो है आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1000 रुपये पे करके भी आप टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वह 1100 रुपये रखें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 या 7523864445 पर जो है कॉल या व्हाट्सअप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा? शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिक या व्यवसायिक। तो यह जो पत्र आएगा वह व्यक्तिगत आएगा, व्यक्तिक पत्र कहलाता है, किसी मित्र को लिखा गया पत्र। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है आपको ये बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ल जो है वह अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो है या, र, ल, व, ये सभी व्यंजन जो है अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन है भद्र अभद्र, भय साहस, मूढ़ ज्ञानी, मान्य धान्य। तो असुमिलित जो युग्म है वह आपका ऑप्शन डी, मान्य का जो विलोम होता है वह धान्य नहीं होता है, यह अमान्य होता है, अमान्य। बाकी तीनों जो है वह सही सुमिलित हैं, सही युग्म है। भद्र का अभद्र होता है, भय का साहस होता है और मूढ़ का जो है ज्ञानी होता है। भय का जब यहाँ पे मान्य का जो विलोम हो जाएगा वह अमान्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। छह नंबर प्रश्न देखते हैं। छह नंबर प्रश्न है, गाड़ी, गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ चुनना है। चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गाड़ी का अर्थ जो है यान से होता है और गाढ़ी का जो अर्थ होता है वह गहरी से होता है, जैसे दूध गाढ़ा है। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, तो
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंद्रियातीत होता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द, इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध भूत या संभाव्य भूत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संभाव्य वर्तमान। देखा गया हो यह जो है संभाव्य वर्तमान वाक्य है, इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा, लोकोक्ति का जो अर्थ होगा सावन हरे न भादो सूखे सदा एक सी दशा, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिया गया है, पक्ष, वायु, साई, राजन, तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी, साई जो है यह तद्भव शब्द है, बाकी तीनों जो है पक्ष, वायु, राजन, ये तीनों जो है तत्सम शब्द हैं, इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, महादेव, चक्रपाण, दामोदर, लक्ष्मीपति, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महादेव जो है यह शिव का पर्यायवाची है, बाकी तीनों जो है चक्रपाण, दामोदर, लक्ष्मीपति, ये तीनों जो है वह विष्णु के पर्यायवाची हैं, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चार ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है एक गंभीर समस्या है, दूसरा वाक्य है मुझे बड़ी भूख लगी है, तीसरा वाक्य है मैंने राम से पूछा, चौथा वाक्य है वह घर गया, इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वह है आपका ऑप्शन बी, मुझे बड़ी भूख लगी है यह अशुद्ध वाक्य है, इसमें बड़ी नहीं होगा यहाँ पे बहुत होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो यह जो है वाक्य शुद्ध हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है, बी वाला ऑप्शन जो है अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुलिंग है, चार ऑप्शन है अंधेर, नकेल, मुंडेर या बटेर, तो इसमें जो पुलिंग शब्द है वह आपका ऑप्शन ए, अंधेर शब्द जो है यह पुलिंग शब्द है, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, कमर, कमरा, कमेटी, कान, तो इसमें जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी, कान जो है विदेशी शब्द नहीं है, कमर जो है यह उर्दू शब्द से लिया गया है, कमर उर्दू शब्द से लिया गया है, कमरा जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कमरा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और कमेटी जो है यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, कमेटी, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक शुद्ध है आपको यह बताना है, इसमें जो शुद्ध वाक्य है शुद्ध शब्द है वह आपका ऑप्शन डी, परीक्षा जो है यह शुद्ध लिखा गया है, पूज्य में क्या गलती है, इसमें जो है दीर्घ उ की मात्रा लगेगी, पूज्य, और परीक्षण में जो है परीक्षण इस तरह से हो जाएगा, और प्राण नहीं होगा वहां पे प्राण होगा, इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग जो है सदैव बहुवचन में होता है आपको यह बताना है, दर्शन, नारी, लता, गाय, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दर्शन शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, नारी का जो बहुवचन होगा वह नारियां हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा, और गाय का जो है गायें हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। 17 नंबर प्रश्न है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानुवाद, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद जो है व्याख्यानुवाद कहलाता है, इसका ऑप्शन डी सही है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, दो, छः, तीन, चार,
तो इसमें जो है चार चरण होते हैं, दोहा में चार चरण होते हैं, और पहले और तीसरे में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है, दोहा छंद में चार चरण होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो इसमें सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन डी, महत्व में जो है तो प्रत्यय है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महत्व धन त्व, इसमें जो है त्व प्रत्यय लग, त्व प्रत्यय प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? वर्ग, सेना, झरना, सभा, तो इसमें जो है झरना जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों जो है वह वर्ग, सेना, सभा, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन डी सी जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।